हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं गूगल ड्राइव के अंदर आप किस तरह से फाइल या फोल्डर को अपलोड कर सकते हो। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। आपका जो भी पर्टिकुलर जीमेल आईडी है उसको आप किसी भी एक ब्राउज़र में ओपन कर लीजिए, जिस तरह से मैं यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे मेरा जीमेल अकाउंट लॉगिन कर लिया है। जीमेल अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 9 डॉट्स जहाँ पे है, यानी कि वो है गूगल ऐप्स, वहाँ पे आपको सिंगल क्लिक करना है। गूगल ऐप्स पे सिंगल क्लिक करने के बाद नीचे आप देखेंगे ड्राइव का ऑप्शन है, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, ठीक है, वहाँ पे सिंगल क्लिक करना है। ड्राइव ओपन होने के बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें आपको ढेर सारे ऑप्शंस दिखेंगे। तो ये आपका गूगल ड्राइव का होम पेज है। आप माई ड्राइव में जाएंगे, यहाँ पे आपको न्यू फोल्डर, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड, गूगल डॉक्स, गूगल शीट, गूगल स्लाइड, गूगल फॉर्म्स, इसमें बहुत सारे ऑप्शन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, न्यू फोल्डर बनाना है, क्योंकि हमें जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उसको नाम डालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम वहाँ पे एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे, पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक हो जो आप बना सकते हैं आपके हिसाब से। मैं यहाँ पे एक टॉपिक बना रहा हूँ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इसमें मैं कुछ ऑफिस रिलेटेड चीज़ें अपलोड करूँगा, या ऑफिस के जो भी सेटअप है वो मैं अपलोड करके दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। ये हमारा क्रिएट हो गया माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक फोल्डर। अब यहाँ पे फोल्डर को मैं डबल क्लिक करूँगा, फोल्डर के अंदर जाऊँगा, जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का फोल्डर है उस पर डबल क्लिक करके उसके अंदर आ गया। यहाँ पे अब मैं राइट क्लिक करूँगा, कहीं पे भी आप राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको भी फिर सेम ऑप्शन है, फाइल अपलोड, फोल्डर अपलोड। तो मैं यहाँ पे आपको फोल्डर अपलोड करने वाला हूँ। फोल्डर अपलोड करने के मतलब ये है कि आपके जो भी ढेर सारे उसमें फाइल्स होंगे वो टोटल अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे आपको सिंगल सिंगल फोल्डर अपलोड होंगे, बल्क में नहीं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपको अपलोड वाला ऑप्शन चूज़ करना है। ये आपको पूछता है ये साइट आपके ट्रस्ट करने लायक है कि नहीं, तो इसको मैंने ट्रस्ट पे क्लिक, यानी कि अपलोड पे क्लिक कर दिया। ये हमारा डिपेंड करेगा इंटरनेट की स्पीड के ऊपर और फाइल का साइज़ कितना है, ठीक है। ये अपलोड हो गया हमारा सक्सेसफुली, यहाँ पर ग्रीन मार्क आ गया, आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमें टोटल 15 GB का स्टोरेज मिलता है, जो हमें अपलोड करने के लिए देता है। 15 GB के बाद आपको परचेस करना पड़ेगा। सेम फिर से हम वही रिपीट करेंगे। यहाँ पे मैं फिर से सेम जाऊँगा फोल्डर अपलोड के अंदर, जो भी मुझे टॉपिक चूज़ करना है, लिब्रे ऑफिस का मैंने सेटअप चूज़ कर रहा हूँ, उसको ओपन करूँगा, अपलोड पे क्लिक करूँगा। सेम यही चीज़ करना है आपको, कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट हो, फाइल हो, फोल्डर हो, आपको अपलोड करना है, यहाँ से भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो ये जो हमारा फोल्डर आप देख रहे हो, जो हमारा स्क्रीन देख रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा मैक्सिमाइज वाला सीन है, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा कम करेंगे और बगल में, यानी कि उसके लेफ्ट साइड में एक और टैब ओपन करेंगे, जहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी रखे हुए हैं, उसको मैं सेलेक्ट करके ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे तो भी वो ऑलरेडी पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स आपके जो फोल्डर के अंदर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे, वहाँ पर आपका अपलोड का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। डिपेंड आपका इंटरनेट का स्पीड, आपके कंप्यूटर का स्पीड कितना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गाइज, मैंने बहुत सारे अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियोस बना रखे हैं, आप प्लीज़ विज़िट करिए और यूट्यूब चैनल में जाके प्लेलिस्ट में देखिए, जो भी आपसे रिलेट करता है टॉपिक उसको आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आपको लगता है कोई और टॉपिक पे मुझे वीडियो अपलोड करना चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो अपलोड करूँगा। गाइज, मैं आप लोगों को एक और अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने जो भी वीडियोज़ अपलोड किए हैं, जैसे कि MS ऑफिस के, कोरल के, फोटोशॉप के, ऑटोकैड के, टैली के, जिन्स भी यूज़र्स को अगर इसमें से किसी भी सॉफ्टवेयर का सेटअप चाहिए रहेगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको एक लिंक जनरेट करके दे दूंगा, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो और आप भी वीडियो देख के इंस्टॉल कर सकते हो आपके खुद के सिस्टम में और इन्जॉय कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो भी अच्छा लगा हो और जो मैंने अभी तक बातें कही वो उसमें भी आपको अच्छा लगा हो।
तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच गाइज़।